हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे 89 रुपीज़ धमाका रॉकेट शेयर के बारे में, जिसमें एक बड़ी धमाकेदार न्यूज़ आने वाली है। इस न्यूज़ के पहले आप इस शेयर को बाइंग के बारे में सोच सकते हो। आज भी इसमें 10% का अपर सर्किट लगा है, पहला सर्किट लगा है, और यहाँ से यह शेयर अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। आप इस कंपनी को स्टडी करके धमाका न्यूज़ के पहले बाइंग के बारे में सोच सकते हो, जो कि आने वाले दिनों में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। फ्रेंड्स, ये कंपनी का आज का रेट था 89 रुपीज़ 70 पैसा एंड 52 वीक हाई था 120 रुपीज़। पी है 50 का और ईपीएस है 1.80 का। डेट टिकट टू रेशो है 0.70। कंपनी पे डेट भी रिजनेबल है। पी 50 का है, वो भी ठीक ठाक है। ईपीएस 1.80 का है, वो भी अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग तो काफ़ी स्ट्रांग है, 74.50% की प्रमोटर होल्डिंग है। मतलब प्रमोटर को अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस है, इसलिए प्रमोटर अपना शेयर बेचना नहीं चाहते हैं। कंपनी करती क्या है? कंपनी शुगर और इथेनॉल बनाने का काम करती है, जो कि आप जानते हैं कि एक अच्छा सेक्टर है, शुगर और इथेनॉल बनाने वाली कंपनी है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट भी धमाकेदार आते हैं। दिसंबर 22 में प्रॉफिट था 2 करोड़ 30 लाख रुपीज़। सितंबर 23 में 1 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 23 में 5 करोड़ 60 लाख का प्रॉफिट था। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा, और इसीलिए यह शेयर काफ़ी फोकस में है। क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी शानदार आ सकते हैं। और इसी बीच कंपनी की ओर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें कंपनी डिक्लेयर करने वाली है स्टॉक स्प्लिट। कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू है अभी 10 का 10 का फेस वैल्यू है, जो कि हो सकता है कंपनी इसको अच्छा जो है, हो सकता है फेस वैल्यू 2 भी कर दे, हो सकता है फेस वैल्यू 1 भी कर दे। तो ये जो मीटिंग डिक्लेयर हुई है स्प्लिट डिक्लेयर करने के लिए, कंसिडर करने के लिए, जो कि होने वाली है 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल को इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग है। तो इसीलिए यह शेयर में आज 10% का अपर सर्किट लगा है, और अभी आने वाले दिनों में लगातार शेयर तेज़ी दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि RSI अभी भी ओनली 50 का है, जो कि अभी भी ओवरसोल्ड कैटेगरी में RSI है। कंपनी का नाम है दावणगिरी शुगर कंपनी लिमिटेड, DAVANGERE, दावणगिरी शुगर कंपनी लिमिटेड कंपनी का नाम है, जिसका स्प्लिट का मीटिंग 19 अप्रैल को है, 19 अप्रैल को है। तो ये मीटिंग होने के पहले शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। आज 10% का पहला सर्किट मारा है, सर्किट लिमिट भी 10% है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में लगातार शेयर सर्किट में रहे। आप भी इस कंपनी को स्टडी करके बाइंग के बारे में सोच सकते हो, जो कि मीटिंग के पहले भी रॉकेट बन सकता है, और अगर दमदार स्प्लिट का रेशो आया तो और भी तेज़ी से ऊपर जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।